बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में बुधवार को सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने रिया चक्रवर्ती केस को ट्रांसफर किए जाने की मांग पर सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। इस सुनवाई के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते आए हैं। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद स्वामी ने ट्वीट किया, केंद्र ने बताया कि सुशांत की खुदकुशी का मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। क्या मैंने अपना वादा निभाया और अब मैं जा सकता हूं? वहीं आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर सवाल खड़े करते हुए पूछा था कि कपूर अस्पताल के डॉक्टर ने फॉरेंसिक से विसरा रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि क्या सुशांत को फांसी पर लटकाने से पहले जहर दिया गया था। वहीं स्वामी ने एक और ट्वीट कर सवाल पूछा था कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR क्यों नहीं दर्ज की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम क्यों बताया गया। दोनों का एक ही कारण है, अस्पताल के डॉक्टर को फॉरेंसिक विभाग से सुशांत की विसरा रिपोर्ट का इंतजार है ताकि पता चल सके कि उसे जहर दिया गया था या नहीं। इससे पहले स्वामी ने सुशांत के सुसाइड को एक मर्डर बता दिया था, इसके लिए उन्होंने 26 बड़ी वजह भी बताई थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने किराए के मकान में मृत पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। हालांकि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं पिछले हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराई है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। ये आपको बता दें कुछ टाइम पहले रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। अब देखना होगा ये केस आगे क्या नया मोड़ लेता है। NP न्यूज रूम की रिपोर्ट।